हेलो स्टूडेंट्स, मैं नविता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ के चैप्टर सिक्स ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज की एक्सरसाइज 6.5। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल राइट एंगल डैट पी। पी क्यू आर हमें एक ट्रायंगल दी हुई है जिसमें राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए हमने एक लाइन सीधी ये वाली ले ली, राइट एंगल डैट पी। उसे राइट एंगल डेट पी बोला है, इसका मतलब जो राइट एंगल है वो किस पॉइंट पे बनेगा, पी पे, और बाकी के दो पॉइंट अपने आप लिख लीजिए क्यू और आर, आपकी मर्जी है, यहाँ पे भी क्यू लिख सकते हैं और यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इफ पी क्यू इज 10 सेंटीमीटर, ये पी क्यू हमें कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, एंड पी आर 24, ये पी आर है ये हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। फाइंड क्यू आर, हमें ये क्या है क्यू आर पता करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार बिल्कुल ध्यान से सुनिए, जो ये राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं इसमें ये जो नीचे वाली साइड है से हम बेस बोलते हैं, जो नीचे वाली साइड है से क्या बोलते हैं बेस, और जिस साइड पे है ये वाली साइड जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड को हम क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो चलिए पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। अभी अगर हमें कोई भी दो साइड्स दी हुई हैं, दो में से हमें तीसरी साइड फाइंड आउट करनी है, इन तीनों में से अगर कोई भी टू साइड्स दी हुई हैं और तीसरी साइड फाइंड आउट करनी है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। क्या फॉर्मूला लगेगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अभी हमारा हाइपोटेनियस है ये देखो क्यू आर, हाइपोटेनियस हमें नहीं पता तो इसको यहाँ पे ऐसे ही लिख लेते हैं, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस ये नीचे वाला बेस होता है, क्या बेस है हमारे पास पी क्यू, मतलब यहाँ पे क्या आएगा पी क्यू स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है पी आर, तो यहाँ पे आएगा पी आर स्क्वायर, ठीक है। अभी क्यू आर हमें नहीं पता तो इसको ऐसे ही रहने दो, पी क्यू की वैल्यू हमें पता है 10 है तो इसको हम क्या लिखेंगे 10 स्क्वायर प्लस पी आर की वैल्यू भी हमें पता है कितनी है 24, तो इसको हम क्या लिखेंगे 24 स्क्वायर। उसके बाद ये जो स्क्वायर है इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 10 स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब सेम नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई, 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई, ऊपर 2 है इसका मतलब ऐसे 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, ये होता है स्क्वायर का मतलब, 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 प्लस साथ में क्या है 24, तो 24 इंटू 24, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 टू जा 8 प्लस 1 9, 4 टू जा 8 एंड 2 टू जा 4, यहाँ पे 6 7 5, तो इसको स्क्वायर करके कितना आ गया 5 7 6, ओके। इसका मतलब क्या कि क्यू आर स्क्वायर हमारा किसके इक्वल हो गया, इन दोनों को प्लस कर दीजिए 6 7 6 के, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे 6 7 6 आ गया, यहाँ पे है स्क्वायर, इसका मतलब हमें कोई वो वाला नंबर ढूंढना है कि जिसको हम सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 6 7 6 साइड, जो ये साइन होता है, ये साइन होता है स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि ऐसा नंबर ढूंढना है कि अगर उसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, जैसे 24 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 576 आता ना, अभी हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है कि सेम को सेम के साथ मल्टीप्लाई करो कि हमारे पास कितना है 676 आए। दो तरीके हैं, हिट एंड ट्रायल करके देख लो, मल्टीप्लाई कर करके देखो कोई तो नंबर मिलेगा, तो 26 को 26 के साथ करके देखते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको 26 के साथ क्यों कर रही हूँ, क्योंकि 6 6 सा 36 होता है ना, पीछे 6 आ रहा है इसलिए। अभी 6 6 सा 36 कैरी 3, 6 हुआ 12, 12 एंड 3 15, यहाँ पे 6 हुआ 12 कैरी 1, 2 टू दा 4 एंड 1 5, तो ये देखिए हमारे पास 676 आ गया। 26 को करके आया, इसका मतलब ये है कि हमारा जो QR है, ये QR है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 26 सेंटीमीटर, क्लियर है, बिल्कुल इसके जैसा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल डैट C। अभी हमारे पास ABC एक ट्रायंगल बन रही है, उसमें राइट एंगल क्या है C पे है, ठीक है। तो बाकी के नंबर्स आपकी मर्जी, देखो यहाँ पे A लिख लेते हैं, यहाँ पे B, ABC ट्रायंगल बन गई। अभी इफ AB इज 25, ये जो AB साइड है हमें कितनी दी हुई है 25 सेंटीमीटर, एंड AC इज 7, ये CA AC एक बार एक ही बात है, तो यहाँ पे ये कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो हमें BC फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे भी बिल्कुल सेम फार्मूला लगाना है हमने, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अभी हमारा हाइपोटेनियस हमें पता है क्या,
AB है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है AC, AC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है BC, मतलब यहाँ पे क्या आ गया BC स्क्वायर। तो AB की वैल्यू हमें पता है कितनी है 25, यहाँ पे लिख लेंगे 25 स्क्वायर। AC की वैल्यू हमें पता है 7 है, तो यहाँ पे 7 स्क्वायर। BC की वैल्यू हमें नहीं पता, उसे वैसे का वैसे रहने दो। अभी 25 स्क्वायर का मतलब 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 625, अब चेक कर सकते हैं। अगर 7 के स्क्वायर करेंगे मतलब 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 49। BC स्क्वायर वैसे का वैसे लिख लिया, ठीक है। अभी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है BC की, ठीक है। तो बाकी के दो नंबर्स को एक साइड पे इकट्ठा कर लो। अभी 625 में 49 उधर प्लस किया, दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो मतलब हमें 625 में से 49 को क्या करना है माइनस करना है, ठीक है। तो चलिए माइनस करते हैं, देखो 9 में से 15 में से 9 माइनस करेंगे 6 आएगा। अभी 11 में से 4 माइनस करेंगे 7 आएगा, और यहाँ पे 5, इसका मतलब BC स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया 576 के। अभी 576 किस नंबर की स्क्वायर होता है हमें पता है, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 24 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करके आ रहा था ना 576, इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा जो बीसी है, ये बीसी है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। इसके साथ ही आपके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ 15 मीटर लॉन्ग लेडर रीच द विंडो। ये लेडर है, लेडर मतलब सीढ़ी है, ठीक है। वो यहाँ पे मान लो एक विंडो बनी हुई है, उस विंडो तक जा रही है, 15 मीटर लॉन्ग है लेडर, ठीक है। विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, ये ग्राउंड है मतलब जमीन, ये विंडो क्या है यहाँ से 12 मीटर हाई है, मतलब ये हमें 12 मीटर ऐसी फिगर हमें दी हुई है, ठीक है। अगेंस्ट प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल एट द डिस्टेंस, हमें ये पता करना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। ये फुट है तो इसका डिस्टेंस पता करना है, ठीक है। पता है राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, फॉर्मूला वही यूज होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अभी हमारा हाइपोटेनियस मतलब ये वाली साइड जो स्लेंटिंग साइड है, ठीक है। कितनी है ये 15, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 स्क्वायर। बेस हमें ए दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर, ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। परपेंडिकुलर कितना दिया है 12, ठीक है 12 स्क्वायर। अभी 15 स्क्वायर मतलब 15 मल्टीप्लाई 15 225, और 12 मल्टीप्लाई 12 144। ए स्क्वायर है मतलब 225 माइनस 144, 225 में से 144 माइनस करेंगे, देखिए पहले 5 माइनस 4 1, और यहाँ पे कितना बन गया 12 माइनस 4 8, इसका मतलब हमारे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 81। तो ए की वैल्यू कितनी होगी रूट 81, मतलब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको सेम के सेम मल्टीप्लाई करके 81 आए, तो 9 × 9 81 होता है, इसका मतलब हमारे ए की वैल्यू कितनी आ गई 9। ओके क्लियर है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। हमें कुछ साइड्स दी हुई हैं, हमें ये बताना है उनमें से कौन सी है, तो वो साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स है। आपने यहाँ हमने अब तक 3 क्वेश्चन किया, हमें एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जो हमारा हाइपोटेनियस होता है वो सबसे बड़ा होता है। जैसे इस क्वेश्चन में भी देखो हाइपोटेनियस 15 था, परपेंडिकुलर 12, और जो हमारा बेस आया वो 9 आया, इसका मतलब जो हाइपोटेनियस साइड है वो क्या है सबसे बड़ी साइड आ रही है, ठीक है। इसका मतलब हम अब इसी फार्मूला के साथ यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है या नहीं। कैसे, इन सब नंबर्स की पहले स्क्वायर कर लीजिए, जैसे अगर 2.5 तो 2.5 की सब नंबर्स की यहाँ पे स्क्वायर करके रख लेते हैं, 2.5 की भी स्क्वायर करेंगे, 6.5 की भी स्क्वायर करेंगे, और 6 की भी, ठीक है। जब हम 2.5 की स्क्वायर करेंगे 25 × 25 होता है 625, ठीक है। और यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, मतलब यहाँ पे डेसिमल कितना आ गया 6.25। 6 स्क्वायर का भी हमें पता है 36 आएगा, ठीक है। 6.5 की हम करके देख लेते हैं, 65 को 65 के साथ मल्टीप्लाई 325 आ गया। आगे करते हैं, कैरी 3 36 एंड 39 4225, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे तो यहाँ पे लग गया डेसिमल, ठीक है, बन गया ये। अभी इन्हें ध्यान से देखिए कि अगर हम 36 को और 6.25 को प्लस करेंगे तो क्या तीसरी वाली साइड बनती है, 36 प्लस 6 42, यस 42.5 आ रहा है ना, 42.25, मतलब दोनों सेम बन रही है। इसका मतलब ये
इसकी जो ये साइड्स है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स है, ठीक है। इसका मतलब कि दे आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये जो सारी साइड्स है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स है, क्लियर है। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट, ऐसे ही हमारे पास टू पार्ट्स और है। चलिए इसके बाद पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब उसी का पार्ट थर्ड में साइड, पार्ट सेकंड में साइड्स क्या है, 2.5, ठीक है। वैसे ही पहले तीनों का स्क्वायर कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर वहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे 2 जा 4 एंड 5 जा 25। अभी इन दोनों साइड्स की स्क्वायर का प्लस, मतलब जो 4 प्लस 4 है वो 25 के इक्वल होना चाहिए। देखिए आपने यहाँ पे आ रहा है 8, यहाँ पे आ रहा है 25, दोनों इक्वल नहीं आए। इसका मतलब दे आर नॉट द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, दे आर नॉट द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। कि ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट क्या है, तीनों में साइड्स फिर से दी हुई है, वैसे सेम स्टार्ट करेंगे, तीनों साइड्स का स्क्वायर कर देते हैं। पहले 1.5 मतलब 15 का स्क्वायर, 225 होता है मतलब 2.25, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 2.5 का स्क्वायर आएगा 6.25, ठीक है। सबसे बड़ी साइड ये है, मतलब इन दोनों का प्लस उसके इक्वल आना चाहिए, मतलब 2.25 प्लस 4 इज इक्वल टू 6.25। देखते आते हैं, ये सारे दोनों यहाँ पे इक्वल आ गए, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो दे आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपके 4 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसके आगे के 4 क्वेश्चंस मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी और वो भी जल्दी अपलोड करूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। होप आपको ये भी समझ आ गए होंगे, तो फिर भी कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएँ और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।